हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकास। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस के टाइप नंबर टू, दैट इज कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। मगर दोस्तों, मैं उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप, पास्ट टेंस के चारों टाइप अगर है नहीं पढ़े हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप पढ़ सकते हैं, पास्ट टेंस के चारों टाइप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये चारों टाइप्स प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है दोस्तों फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का भी एक टाइप हम, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस, कंप्लीट कर चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस का टाइप नंबर टू, दैट इज कंटिन्यूअस। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू फ्यूचर टेंस क्या होता है, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, कौन से हिंदी सेंटेंस है और इंग्लिश ऐसे सेंटेंस है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, वो सीखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है और एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का टाइप नंबर टू, दैट इज कंटिन्यू फ्यूचर टेंस। और कंटिन्यू फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं चालू या शुरू भविष्यकाल। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस क्या होता है ना? ओके, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस क्या है, तो आप समझिए कंटिन्यू फ्यूचर टेंस हम किसे कहते हैं। जो भी कार्य हो, जो भी घटना हो, ठीक है, या जो भी प्रोसेस हो, ठीक है, जो भी प्रोसेस हो, ये प्रोसेस फ्यूचर में, ये घटना या कार्य, ये फ्यूचर में क्या हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। कौन से फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो। जो भी कार्य, घटना, जो भी प्रोसेस हो, वो फ्यूचर में कौन से फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ठीक है। और इस कंटिन्यूअस फॉर्म में होने के बाद ये फ्यूचर में खत्म ना हुई हो। आप सबसे पहले इसे अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस क्या है। कंटिन्यू फ्यूचर टेंस वो है कि जो भी कार्य, घटना, जो भी प्रोसेस फ्यूचर में कौन से फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, उसे हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहते हैं। और कंटिन्यूअस फॉर्म में होने के बाद वो फ्यूचर में खत्म ना हुई हो, कंप्लीट ना हुई हो, उसे हम गाइस कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहते हैं। इतना तो अभी आप समझ लिए। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला। अगर इसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे तभी हम सेंटेंस को बिल्डअप कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि कंटिन्यू फ्यूचर टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, शॉल या विल का, ओके। अब एक बात यहाँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझना है कि कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हमें एक यूज करना, दैट इज बी, एस प्लस शॉल विल, और यहाँ पर हमें बी का यूज करना है। जब भी हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो हमें बी का यूज जरूर करना है। उसके बाद दोस्तों वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है हमें, ठीक है, प्लस ओ डब्ल्यू, ओके गाइस, ये हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला को भी आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट एस मीन्स एज यू नो सब्जेक्ट, दीज आर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, बी यूज करना है हमें कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ यानी ऑब्जेक्ट और ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड, ओके। तो इतना तो आप समझ लीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फ्यूचर टेंस का टाइप नंबर टू, दैट इज कंटिन्यू फ्यूचर टेंस, जिसे हम चालू शुरू भविष्यकाल कहते हैं। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस हम उसे कहते हैं दोस्तों जहाँ पर कोई भी प्रोसेस, कोई भी घटना, कोई भी कार्य भविष्य में किस फॉर्म में हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, और वो कंप्लीट ना हुआ हो, कंटिन्यूअस फॉर्म में हो, ठीक है। उसका फॉर्मूला है एस प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, ठीक है। अब और एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए कि फ्यूचर टेंस में हमेशा हिंदी वाक्यों में रहा होगा, ठीक है,
रही होगी या रहे होंगे, रहे होंगे। इन वाक्यों के आखिरी पर हम इन शब्दों का, इन वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है गाइस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये जब हम हिंदी सेंटेंस जब हम बनाते बोलते हैं तो हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हम रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे ये शब्दों का। तो अब हम देखेंगे दोस्तों एग्जांपल्स। पहले हम फॉर्मूला समझ चुके हैं कि फॉर्मूला क्या है, एस प्लस शैल विल प्लस बी प्लस आई एन जी प्लस ओ प्लस। फर्स्ट देखिए, वह स्कूल जा रहा होगा। अब भाई आप इसे समझिए कि वह स्कूल जा रहा होगा, मतलब ये जो प्रोसेस है, जो जाने की जो प्रोसेस है, ये भविष्य में कंटिन्यूअस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है कि ये जो प्रोसेस है वह स्कूल जा रहा होगा, मतलब ये जाने की जो प्रोसेस है ये भविष्य काल में कंटिन्यू फॉर्म में है और ये कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक के, भविष्य में ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये भविष्य में कंटिन्यू फॉर्म में है। इसीलिए हम इस इन सेंटेंसों को रहा होगा जो सेंटेंस के आखिरी पे यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कंटिन्यू फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कहते हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कैसा बनेगा आप देख लीजिए, वहाँ को हम कहेंगे ही और सी, ठीक है, रही होंगी या रहा होगा तो ही, ठीक है। अब मुझे शाल या विल का यूज करूँगा, सो विल। आपको मैं इसके पहले भी बता सकता हूँ कि आप शाल या विल दोनों का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ही विल। अब मुझे यहाँ क्या यूज करना है, बी का यूज करना है, सब्जेक्ट यूज किया मैंने ही, उसके बाद विल का यूज किया, उसके बाद मुझे क्या यूज करना है, बी, कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस में बी का यूज करना है, ही विल बी। उसके बाद वर्ब के साथ आई एन जी, अब जाना को बोलते हम गो और गो के साथ में लग गया आई एन जी, दैट इज गोइंग, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, स्कूल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, बहुत इजी तरीके से बन गया। नेक्स्ट, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये भी सेम है दोस्तों, फ्यूचर में ये प्रोसेस शुरू है। तो क्या आएगा, चिल्ड्रंस विल बी, चिल्ड्रंस विल बी, है ना, चिल्ड्रंस दैट इज सब्जेक्ट, है ना, विल मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, उसके बाद बी का यूज करना है तो बी का, और खेलना को हम बोलते प्ले, और उसके साथ में हमें आई एन जी लगाना है, सो प्लेइंग, क्रिकेट ऑन ग्राउंड, क्रिकेट ऑन ग्राउंड, ये आ गया ओ प्लस ओ डब्ल्यू, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वी कैन सी, जैसे मैं पत्र लिख रहा होगा, ओके, क्या आएगा, आई विल, या आप शाल भी यूज कर सकते हैं, है ना, आई शाल भी, लिखना को कहते हैं हम राइट, और उसके साथ में लगा लिए आई एन जी, राइटिंग अ लेटर, कितना इजी बन गया, आई विल बी या आई शाल बी राइटिंग अ लेटर। और भी एग्जांपल देख लेते गाइस, वहाँ नाच रहा होगा, इतना इजी, आप देख लीजिए, ही शाल, ठीक है। अब हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला बी का यूज करना ही है, ही शाल बी, और हमको यहाँ पे सीधा डांसिंग, ही शाल बी डांसिंग। अगेन आप देख लीजिए, राजू काम कर रहा होगा, क्या आएगा, राजू, ठीक है, सब्जेक्ट शाल या विल आप यूज कर लीजिए,
शॉल या विल, उसके बाद बी का यूज कंपलसरी करना है मुझे, शाल बी। अब करना को बोलते हैं वर्किंग, काम करना को बोलते हैं वर्किंग। राजू शाल बी वर्किंग, राजू काम कर रहा होगा। जैसे नेक्स्ट देख लीजिए, राधा राधा सीता को मार रही होंगी। ओके गाइस, क्या आएगा, राधा विल बी बीटिंग टू सीता, या आप यहाँ पे किलिंग भी कह सकते हैं। जान से मारना को किलिंग कहते हैं और थप्पड़ मारने को बीटिंग कहते हैं। ओके, सो राधा विल बी बीटिंग टू सीता। गाइस, इस तरीके से आप अपने डे टू डे लाइफ में हम जो कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ऐसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और इस टेंस के अकॉर्डिंग हम ऐसे हज़ारों सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बना सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम जो बोलते हैं वो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम बोल सकते हैं। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूँ, उन एग्जांपल्स को आंसर्स अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस एंड फॉर्मूला इस बॉक्स में लिख के आपको जरूर बताना है। लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल, राम कुआ खोद रहा होगा, इसको भी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, रावण युद्ध की तैयारी कर रहा होगा, ठीक है, युद्ध को कहते हैं वॉर, है ना। नेक्स्ट आप देख लीजिए, गगन पतंग उड़ा रहा होगा। नेक्स्ट आकाश में तारे चमक रहे होंगे। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, आज की क्लास अगर आपको बहुत पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन बटन को आप ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले, गाइस अगर आप बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लेते हैं तो आपको मेरे ऐसे ही आने वाले जो अलग अलग वीडियोज़ है जहाँ पे आपका नॉलेज, आपका स्किल इन्हांस हो, आपका नॉलेज अपग्रेड हो, तो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी।